डीबडी स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में एक आवश्यक बैठक रखी गई। बैठक के बाद प्रेस संबोधन में राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि बैठक में जो निर्णय लिया गया उसे अमल किया जाएगा। पूरे देश में राजद का विस्तारीकरण होगा, सदस्यता अभियान को सघन रूप देने का काम किया जाएगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पर झारखंड प्रदेश में भी 25 लाख सदस्यता अभियान चलाने का काम किया जा रहा है। सदस्यता अभियान को बूथ स्तर तक किया जाएगा। वहीं राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद ने कहा, मुख्य उद्देश्य है सदस्यता अभियान को गति प्रदान करना। बूथ स्तर में सदस्यता अभियान का निर्णय लिया गया है। संगठन को मजबूत व विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है। यदि आप तो पहले बिहार में भी रह चुके हैं, आप देखे होंगे कि बिहार में किस तरह से चुनाव होता है और किस तरह से नॉमिनेशन होता है, किस तरह से विड्रॉवल होता है, सारा प्रक्रिया। हमारे जगताप बाबू जब बनते थे निर्वाची पदाधिकारी, राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी, टीएनसी संसार को भी फेल कर देते थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। इस बार तो उदय नारायण चौधरी जी हमारे जो पूर्व स्पीकर साहब हैं वो निर्वाची पदाधिकारी, राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी बने हैं। और यहाँ पर हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री श्री सुरेश पासवान जी राज्य निर्वाचन पदाधिकारी बने हैं। अब ये जारी करेंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी का, जिला वाले प्रखंड का, प्रखंड वाले पंचायत का, पंचायत वाले बूथ, ये पूरा सिस्टम है। जिसमें यह निर्णय और सब सहमत निर्णय के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने निर्देश दिया कि पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का विस्तारीकरण होना चाहिए। पूरे राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान मजबूती से निष्ठा के साथ चलना चाहिए। पूरे देश भर में हमारी पार्टी देश भर में रही है, कई प्रदेशों से एमएलए भी हुए हैं और बिहार और झारखंड में तो मजबूत ताकत है ही। यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्देश और विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेश पर पार्टी ने जो है कई कार्यक्रम बनाया है संगठन में, जिसकी विस्तार से चर्चा माननीय पूर्व विधायक राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव भोला यादव जी आज